हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आज के ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को साथ में लेके स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा तो लंबा नहीं है, मात्र 5 मिनट का है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का 1 लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो रात भर यहाँ पे बारिश हो रहा है, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और उसी बारिश में जयेश गया है स्कूल, क्योंकि स्कूल फिर ना अभी बंक नहीं कर सकते क्योंकि बीच में उसका तबीयत ख़राब हुआ था, तो उस टाइम ऑलरेडी बहुत मतलब एबसेंट हो गया था, तो उसका अटेंडेंस ना थोड़ा सा कम हो गया है परसेंटेज। तो वो स्कूल गया है और सुबह जल्दी जगे थे उसके स्कूल जाने के चक्कर में, तो उसको स्कूल छोड़कर आए उसके पापा, और जल्दी जल्दी काम वाम करके झाड़ू पोछा करके फिर ना थोड़ा सा कपड़े थे उसको धो दिया है, धो के डाल के पूजा पाठ सब कर ले रही हूँ। तो बारिश हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा बंद है, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े डाल देते, फिर जब पानी थोड़ा सा इसका मतलब निकल जाएगा, सूख जाएगा, तब ला के घर पे डाल देंगे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, मतलब बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, और कभी हल्का सा धूप भी मतलब दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब वाला मौसम है, कंजक्टिवाइटिस इस टाइम बहुत फैल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा केयर कीजिएगा बच्चों को, मतलब थोड़ा सा खुद भी और बच्चे भी थोड़ा सा संभल के रहिएगा इस टाइम। कंजक्टिवाइटिस तो हम लोगों को, जयेश को, पहले जयेश को हुआ, फिर उसके पापा को हुआ, फिर मुझे हुआ, तीनों लोगों को हो गया था। इतना ज़्यादा मतलब मेरा तो ज़्यादा नहीं था, जयेश के पापा को बहुत ज़्यादा था, और जयेश का भी एक ही दिन में ठीक हो गया था। और ये सब करके फिर मैं अभी आ गई हूँ, नाश्ता मतलब नाश्ता बन चुका है और चाय अभी बनाऊँगी, और आज नाश्ते में है पराठा और लौकी की सब्ज़ी बनाए थे सुबह, तो वही लौकी की सब्ज़ी है, पराठा है और चाय। तो सुबह चाय थोड़ा सा पीने का मन करता है, वैसे तो चाय पीने का उतना हैबिट नहीं है, बिल्कुल नहीं पीते थे, लेकिन दादी आई थी तो दादी के साथ साथ थोड़ा सा आदत लग गया था, और ना अभी सुबह का टाइम थोड़ा सा पीते हैं, बाकी पूरा दिन नहीं पीते हैं, शाम को भी नहीं पीते हैं। तो सुबह थोड़ा सा जयेश के पापा को भी चाय अच्छा लगता है और साथ में पीते हैं, और शाम को तो वो बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, और आते एक ही बार में पूरा ड्यूटी करके खेल के फिर आते हैं 9:30 बजे, उस टाइम क्या चाय पियेंगे, उस टाइम एक ही बार में डिनर कर लेते हैं। तो जयेश के पापा भी गए हैं नहाने, फिर नहा के आके नाश्ता करके जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे। और ना आज पूरा दिन मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में, बोल रही हूँ ना, इस टाइम मेरा मोबाइल ख़राब हो जा रहा है, मतलब स्विच ऑफ हो जा रहा है। सीधा मैं आई हूँ शाम को, और देखिए शाम को बारिश हो रहा है बाहर, देखिए कैसे लाइटनिंग हो रहा है, और इसमें ना जयेश बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसके पापा नहीं थे, उसके पापा गए थे खेलने मतलब ड्यूटी से, फिर खेल के आएंगे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, आंधी, देखिए जयेश बहुत डर रहा था। देखिए हम सब लोग, मैं और जयेश, हम दोनों लोग ना बाहर खड़े होके मतलब बालकनी में खड़े होके बारिश का मज़ा ले रहे थे, जयेश कान में उंगली डाल के बारिश देख रहा, देखिए। तो बारिश देख के तो मन कर रहा था कि भीगे, लेकिन मना किया था जयेश के पापा ने कि बारिश में बिल्कुल मत भीगना, तबीयत ख़राब हो जाएगा, इस टाइम का बारिश जो है मतलब गर्मी, मतलब थोड़ा सा तबीयत ख़राब वाला मौसम है, इस टाइम ठंडा हो रहा है फिर गर्म हो रहा है, तो इस टाइम बिल्कुल मत बारिश में भीगना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मन को मार दिया था। और आज रात में बन रहा है पूरी और अंडा करी, मतलब हम लोग बोलते हैं डीमेर कोशा और लुची, तो वही आज बन रहा है, तो मौसम भी ठंडा है और उसमें ये खाने में भी मज़ा आएगा, तो एकदम सूखा सूखा अंडा बनेगा, बिल्कुल ग्रेवी नहीं रहेगा, हल्का सा ग्रेवी रहेगा खाली, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है पूरी के साथ, कभी ट्राई कीजिएगा, जो लोग एक खाते हैं वो लोग ट्राई कीजिएगा, डीमेर कालिया बोलते हैं, बंगाली डिश है ये, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कि डीमेर कालिया रेसिपी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी देके खाली जो है हल्का सा ग्रेवी टाइप का बना लेंगे, देखिएगा आप लोग।
और जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो हम लोग नहीं मानते, कोलकाता वाले लोग बहुत कम मान पाते हैं ये सब सावन का महीना। बाकी जो है आप लोग सावन के महीने में ये सेलिब्रेट करते हैं तीज। हम लोग तो यहाँ पे जब से मैं डांस क्लास ज्वाइन की हूँ तब से यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है तीज। बाकी पहले तो नहीं पता था ये सब तीज के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।